लिवर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये पिछले साल के वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो है वर्ष 2015 में हुई उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की, और ये भाग तीन है सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों का। जी हाँ, 2015 में जो 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से या कह सकते हैं सामान्य जानकारी भाग तीन के अंतर्गत जो आए थे, उन 25 प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और अपनी एक सीट पक्की करने के लिए कमर कस लीजिए और एक एक दिन प्रत्येक दिन फॉलो करते रहिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके से उस परीक्षा की स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए उसके पिछले सालों के पेपरों को आपको बहुत अच्छे से हल करना आना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। भाग तीन सामान्य जानकारी, क्वेश्चन नंबर 51। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय या आर्थिक सेवाओं पर व्यय? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रक्षा पर व्यय, सिक्योरिटी पर जो पैसा केंद्र सरकार का विकास व्यय में शामिल नहीं है, सी ऑप्शन। बाकी ये तीनों आपके केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। हमारे रुधिर में यानी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है उसका क्या नाम है? तो हमारे रुधिर यानी हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रोटीन है उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गमन, जिसको माइग्रेशन ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन ये क्या है? तो माइग्रेशन वर्ड आप जानते हैं, एक जगह से स्थानांतरित होकर दूसरी जगह पर जाना माइग्रेशन वर्ड का मतलब होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देशों के बीच में लोगों का संचलन यानी एक देश से दूसरे के बीच में जाना, इसको अंतर्राष्ट्रीय गमन के अंतर्गत कहते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के अंतर्गत। सॉफ्ट बैंक डैश और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन, यहाँ देखिए डॉलर का चिन्ह है, का निवेश करेगा, किस में? तो ये जो निवेश करने की बात की जा रही है, ये निवेश किया जाएगा भारतीय एंटरप्राइजेस में, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बात याद रखिएगा, जो समान जानकारी के अंतर्गत है इसमें कुछ करंट के भी क्वेश्चन आते हैं और ये आपका करंट में ही कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक जीके के भी और कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो उसको आप अपने हिसाब से, क्योंकि 2015 का ये पेपर है तो यहाँ पर 2015 में ही जो करंट के सिचुएशन होंगे उनको, उनके प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जो थे उनको क्या नाम दिया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री जो है ये नेपाल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ था भूकंप के दौरान वो भारत सरकार के द्वारा किया गया था, ये ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 25 वर्ष। यही अगर राज्यसभा पूछता तो राज्यसभा के लिए होता है 30 वर्ष, ठीक है? आज चलिए, तो मित्रों अभी आप सभी से निवेदन है कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 57 पे आ जाते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, किसके द्वारा? तो 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है ये मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया, और मुस्लिम लीग ने ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। गौरतलब है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है ये मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया था, तो इसके पीछे रीज़न क्या था ये आपने जान लिया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है, चौरी चौरा घटना, जो चौरी चौरा कांड के नाम से भी जानते हैं, वो कब हुई थी? तो ये आप सभी को पता है, चौरी चौरा घटना जो हुई थी ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अब इसके बारे में डिटेल क्या है कि जो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के ये गोरखपुर में है आपका चौरी चौरा स्थान, इसमें पुलिस ने बगैर किसी पूर्व सूचना के जो भीड़ प्रदर्शन कर रही थी उन पर गोली चला दी,
और इसमें गुस्से में आकर लोगों ने पुलिस स्टेशन में ही पुलिस वालों को बंद करके पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की तत्काल मृत्यु हो गई थी। और इसीलिए इस घटना को चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे ये भी है कि जो महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था, असहयोग आंदोलन, उसको भी स्थगित कर दिया गया था इसके बाद। तो ये कुछ पीछे के जानकारियाँ रही जो आपको पता होनी चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व कौन सा होता है? अगर मैं इसको इंग्लिश में समझाऊँ तो सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व एलिमेंट कौन सा है? ये चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, यानी कि इसकी ऋण विद्युतीय क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सबसे ज़्यादा इसके पास टेंडेंसी होती है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? तो ये देश आपका है चिली। चिली ने कोपा अमेरिका जो 11 जून से 4 जुलाई 2015 के बीच में हुआ था, और ये चिली में ही संपन्न हुआ था, इसलिए वजह से चिली ने इसको जीता था। और फिर कोपा 2017 का आयोजन अर्जेंटीना में किया गया, जिसे ब्राज़ील ने जीता, ये भी जानते रहिएगा। प्रत्येक दो वर्ष में 2017 वाला आपके अर्जेंटीना ने जीता, 2015 वाला चिली ने जीता। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 61, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कौन नेता मंत्री कौन है जो कैबिनेट स्तर का होता है? तो कैबिनेट स्तर का जो होता है वो होता है आपका विपक्ष का नेता। बाकी ये सब थी अपने हिसाब से, भारत का न्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है, कैग हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ये सभी इसके अंतर्गत नहीं आते, बस विपक्ष के नेता ही इसके अंतर्गत आते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी स्थित है वो किस पर स्थित है, किस रेखा पर स्थित है? तो जो दक्षिणी छोर है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, भूमध्य रेखा यहाँ से जाती है, नीचे से जाती है, श्रीलंका के आसपास से जाती है। तो ये उत्तर ऊपर उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ, दिशा आपको पता है। तो ये कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के आपके उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और तो वो स्थान जो है मित्रों वो है रंगून। जी हाँ, रंगून, जिसको आज यंगून या म्यांमार के नाम से आप जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रंगून, जिसको आज अगर पूछा जाए आज के परिवेश में तो म्यांमार के नाम से हम लोग जानते हैं। वहाँ पर इस अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो नमक कानून या नमक कर जो था उसका विरोध करना था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी जान लीजिए। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को डांडी से, डांडी जो गुजरात है, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ पर होती है? तो ये होती है आपके मौनसीरम मेघालय में। ठीक है ना, मौनसीरम मेघालय में भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश की बात हो गई, अगर सबसे कम बारिश कहाँ होती है अगर आपको ये पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा। और अगर ये स्पेशल उत्तर प्रदेश के लिए है तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न कि यूपी में सबसे ज़्यादा किस जिले में और सबसे कम किस जिले में बारिश होती है, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनपीपी से क्या है अभिप्राय है? तो फुल फॉर्म जनरली पूछ लिया जाता है हर एग्ज़ाम में। तो एनपीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीपी का है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है ना, ए ऑप्शन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी का फुल फॉर्म है। और ये भारत सरकार द्वारा 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जब लाई गई थी तो उसका ये प्रमुख उद्देश्य था। इसके पहले 2045 था, अब 2070 तक देश की जनसंख्या को स्थिर रखने का लक्ष्य रख लिया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, आ जाते हैं। हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अभी ये 2015 का परीक्षा है, तो 2015 के हिसाब से करंट अफेयर का पूछा गया होगा, आप अपने रिसेंट के हिसाब से करंट अफेयर तैयार करिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, उस समय जहीर अब्बास जी को क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पे। जून 2015 में दो उद्यमियों और अनेक नागरिकों निकायों के बीच में अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता हुआ था, तो ये किनके बीच कहाँ पर हुआ था? ये असम में हुआ था, ठीक है ना। और असम में दो जो प्रमुख थे, जिसमें सांख्यिकी और पुलक राय और अनेक निकायों के बीच में ये संपन्न किया गया था। ठीक है, अभी करंट देखिए, करंट का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि करंट आप रिसेंट के हिसाब से अपना तैयार करिएगा, जिस समय आपकी परीक्षा हो, ये करंट उस समय के परिवेश के हिसाब से, उस हिसाब से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अच्छादन जिसको अनावरण भी बोलते हैं, पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग प्रस्वेदन बोलते हैं। प्रस्वेदन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो आप तुरंत बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जी बिल्कुल, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं जितनी भी दालें होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में किरणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इन जगहों पर जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आपकी परिष्करणशालाएँ स्थापित की गई हैं। ठीक है, आ जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 72। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों, अगर आपने लाइक नहीं किया है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान की आत्मा प्रस्तावना जो है हमारा, प्रीएम्बल जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा का टाइटल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं किस वेद के हैं? तो जो वेद है ये आपका यजुर्वेद है, जी बिल्कुल, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के बारे में ये उल्लेखित है। आ जाते हैं चलिए, इसमें प्रश्न पूछ लेता हूँ, सबसे पुराना या सबसे प्राचीन इन चारों में से वेद कौन सा है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना और उर्ध ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं स्टैटिक पोर्शन से। तो ये आपका पत्थर को लुढ़काने में किया गया जो कार्य होता है, इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है और इसी वजह से आसान होता है, सिंपल सा आंसर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी आप लोग कहाँ पर देखते हैं? जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटी है वो आर्टिकल 51 क में है, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। और इसके अलावा DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51 के बीच में वो है। तो ये सारी चीज़ें कम से कम इतना तक तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके अलावा कुछ प्रमुख आर्टिकल्स भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये प्रस्तावित सम्मिलित किया गया था, सुझाव जो सम्मिलित किया गया मूल कर्तव्य को संविधान के अंतर्गत जोड़ना। और ये कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ये कार्य किया गया। और एक और बात जान लीजिएगा, आप लोगों से प्रश्न पूछना है कि 42वें संविधान संशोधन को और क्या, किस नाम से जाना जाता है, आप जरूर कमेंट करिएगा। तो ये 25 प्रश्न रहे साल 2015 के प्रथम पाली में, जो भाग 3 में सामान्य जानकारी के अंतर्गत आपके लेखपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया था। और उम्मीद करूंगा आपको वीडियो ये पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।